हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। सो गाइस, इट्स द टाइम टू से गुड बाय टू 2021 एंड इट्स द टाइम टू वेलकम 2022। सो गाइस, इस टाइम को बहुत ज़्यादा पार्टीज हम अटेंड करते हैं एंड वी डू लॉट्स ऑफ फन एंड ऑल, क्योंकि अभी हॉलीडे का सीजन भी चल रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके का एक मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूँ जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हो एंड एट द सेम टाइम यू लुक वेरी वेरी गॉर्जियस ग्लैमरस। और एक बात है, मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था एंड अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है एंड आई वॉज डाउन विथ कोल्ड फीवर एंड मेरा वॉइस जो है टोटली पूरा बैठ गया था। सो इस वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। अरे, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे अचीव किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। भी चल रहे हैं एंड विंटर्स में पर्टिकुलरली हमारा स्किन थोड़ा ज़्यादा ही डल हो जाता है, जो फेस का ऊपर का जो ग्लो होता है वो टोटली चला जाता है एंड मेरे केस में यही होता है गाइस। कुछ दिनों से मैं मॉम्स को के कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ एंड मैं यूज़ कर रही हूँ माई डेली स्किन केयर रूटीन एंड मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं मेरा जो करेंट स्किन केयर रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। मॉम्स को एक ब्रांड है जो कि बिलीव करता है इन टॉक्सिन फ्री ब्यूटी एंड स्किन केयर। इनके सारे ही प्रोडक्ट्स होते हैं टोटली हार्श केमिकल फ्री, इनमें कोई भी सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल्स, SLS, SLES, पैराबेंस इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस आर टोटल क्रुएल्टी फ्री। सो दैट इज़ अ थिंग जो मुझे इस ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है गाइस। गाइस, आई गॉट ऑल द प्रोडक्ट्स इन अ पाउच लाइक दिस एंड ये जो पाउच है दिस इज़ सो सो गुड गाइस। ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी पाउच, आप देख सकते हैं। एंड इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो मैं फर्स्ट आपको दिखाती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बाहर निकाल के रखे हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ द मॉम्स को नेचुरल ग्रीन टी फेस वॉश विथ एलोवेरा एंड विलो हॉट। एंड ये जो फेस वॉश है इट गिव्स ऑयल कंट्रोल एंड इसमें हमको 100 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड ये जो फेस वॉश है दिस इज़ स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन, इट गिव्स ऑयल कंट्रोल बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट ओवर ड्राइंग ऑन माई स्किन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अबाउट दिस फेस वॉश। इसका जो प्राइस है दैट इज़ ₹298, इसमें हमको 100 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है एंड 2 years ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है। दिस इज़ टोटली डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इसमें सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। दिस इज़ पेटा सर्टिफाइड एंड क्रुएल्टी फ्री एज वेल, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है मॉम्स को, दिस इज ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड स्किन केयर ब्रांड, तो इनका क्वालिटी, इनके सारे प्रोडक्ट्स का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फेस के ऊपर अभी पानी है आप देख सकते हैं, तो अभी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है एंड इसका जो कलर है दैट इज़ वेरी लाइट ग्रीन इन कलर एंड द स्मेल इज़ अमेजिंग यू गाइस। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। सो मैं इसको अभी फेस के ऊपर लगाऊंगी एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छे से लैदर करता है। नाउ आई वॉश माई फेस एंड आई विल बी बैक। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने मेरे फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है आफ्टर यूजिंग द फेस वॉश एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बिल्कुल भी कुछ ड्राइनेस फील नहीं हो रहा है अभी आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश। सो नाउ आई जस्ट पैड ड्राई माई फेस लाइक दिस। देख सकते हैं गाइज, मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ अ टोनर। हमेशा फेस वॉश यूज़ करने के बाद वी शुड यूज़ अ टोनर, अगर आपका ओपन पोर्स का इशूज है ये उसके ऊपर काम करता है एंड इट हेल्प्स इन टाइटनिंग आवर पोर्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग द pH लेवल ऑफ आवर स्किन एज वेल। सो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉम्स को का नेचुरल ग्रीन टी फेस टोनर विथ एलोवेरा एंड एप्पल साइडर विनेगर एंड इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ क्योंकि ये स्प्रे काइंड ऑफ पैकेजिंग है। इसमें हमको 100 ml ऑफ टोनर मिल जाता है एंड इसका जो प्राइस है दैट इज़ ₹226, इसमें हमको 3 years ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है। सो इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको पहले बोल देती हूँ। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट दैट रेगुलेट सेबम प्रोडक्शन एंड सूदेस स्किन, इसमें है एप्पल साइडर विनेगर दैट हेल्प्स इन बैलेंसिंग आवर स्किन pH एंड कंट्रोल्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, इसमें है नेचुरल प्लांट AHAs दैट आर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, दे जेंटली एक्सफोलिएट एंड टाइटन आवर पोर्स एंड इसमें है एलोवेरा एंड कुकुम्बर दैट हेल्प्स इन सूदिंग आवर स्किन एंड ऑल्सो हाइड्रेटिंग आवर स्किन एट द सेम टाइम। इसको मैं इसे स्प्रे कर लूँगी। वाओ, 7 नहीं गाइस, इसका स्मेल पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इमीडिएटली एक कूलिंग सेंसेशन होता है। लेट इट एयर ड्राई फॉर सम टाइम।
दिस इज द मॉम्स को नेचुरल ग्रीन टी फेस क्रीम विथ एलोवेरा एंड नायासियामाइड. इट हेल्प्स इन मॉइस्चराइजिंग आवर स्किन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्ने. सो इसमें हमको 50 ग्राम्स ऑफ क्रीम मिल जाता है. पैकेजिंग के नीचे इसका प्राइस मिल जाता है. इसका प्राइस है ₹577. यू आर गेटिंग 2 years ऑफ सेल्फ लाइफ टू यूज दिस क्रीम. इसमें जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बोल देती हूँ. इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट दैट कंट्रोल सीबम हाइड्रेट्स एंड सूदेस आवर स्किन. इसमें है नायासिनामाइड दैट कंट्रोल्स ऑयल एंड इम्प्रूव्स अनइवन स्किन टोन. इसमें है स्क्वालेन दैट डीपली मॉइस्चराइजेस आवर स्किन. एंड इसमें है विलो बार्क दैट रिड्यूसेस पोर साइज कंट्रोल्स एक्ने एंड सूदेस स्किन. दिस इज वेरी वेरी लिक्विडी एंड ये टोटली बाहर निकल के आ जाता है गाइस. सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस प्रोडक्ट. एंड दिस इज लिटिल बिट जेल काइंड ऑफ, आप देख सकते हैं जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है. ये बहुत ही बहुत अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज करता है. इवन अभी विंटर्स में भी ये मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस. एंड इसका स्मेल, वाह. लास्टली आई हैव द मॉम्स को नेचुरल विटा रिच अंडर आई क्रीम. एंड इस तरीके के आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है. सो दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डार्क सर्कल्स पफिनेस एंड फाइन लाइन्स अराउंड आवर आईज. एंड इसमें हमको 15 grams ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है. प्राइस है ₹474 एंड वी आर गेटिंग 2 years ऑफ सेल्फ लाइफ टू यूज दिस अंडर आई क्रीम. इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट आर कॉफी ऑयल नोन टू रिड्यूस डार्क सर्कल्स फाइन लाइन्स एंड पफिनेस हाइलोरोनिक एसिड. इसमें है चिया सीड ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल जो कि हमारे स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं. एंड इसमें है विटामिन B3 विच रिड्यूसेस फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स. एंड ऑर्गेनिक कैमोमाइल ऑयल है विच हेल्प्स इन सूदिंग द स्किन अराउंड आवर आईज. तरीके का पैकेजिंग है. एंड जब हम इसको ओपन करते हैं यू कैन सी गाइज इट हैज़ गॉट अ रोलर मसाजर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज. आप देख सकते हैं गाइज मैंने इसको थोड़ा प्रेस किया है एंड प्रोडक्ट बाहर आ चुका है. आप देख सकते हैं इसको हम कैसे आईज के अराउंड अप्लाई करना, लिटिल बिट इसे क्रीम को अप्लाई करना है. एंड इतना ज़्यादा कूल लगता है गाइज. इसका जो एप्लीकेटर जो रोल ऑन एप्लीकेटर है गाइज इट इज़ वेरी वेरी कूलिंग. आइज का अराउंड एक ठंडा ठंडा एहसास होता है. मैं इसको ऐसे मसाज करूँगी अराउंड माई आइज. वाओ, उस टाइम के लिए आप इसको ऐसे मसाज कर सकते हैं. एंड उसके बाद अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा क्रीम रह जाएगा आइज के अराउंड तो उसको आप फिंगर की मदद से भी अच्छे से ऐसे मतलब उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं एंड इट विल गेट इंस्टेंटली अब्जॉर्ब इन टू योर स्किन. नेक्स्ट मूविंग टू मेकअप द फर्स्ट स्टेप इज अ प्राइमर. सो आई एम गोइंग टू प्राइम माई फेस. एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ टेक अ ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर एंड दिस इज फ्रॉम मार्स. एंड मेरे पास जो सेड है इसका दैट इज 02 लाइट पिम. सो गाइज नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो अल्ट्रा बेस पैलेट. एंड इसमें जो मेरे पास जो सेड है दैट इज 03 एंड आई एम गोइंग टू यूज़ द कलर करेक्टर. ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर को मैं यूज़ करने वाली हूँ अराउंड माई आईज. एंड ये बहुत ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट है एंड विंटर्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी. तो आप देख सकते हैं इमिडिएटली मेरा जो डार्क सर्कल है वो टोटली हाइड हो गया है आफ्टर यूजिंग दिस कलर करेक्टर. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ द ग्रीन कलर करेक्टर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा रेडनेस है इस वजह से. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ लॉरियल का ये फाउंडेशन. दिस इज़ लॉरियल इन्फेलेबल स्टे फ्रेश फाउंडेशन इन द सेड. मेरे पास जो सेड है दैट इज़ 140 गोल्डन बेज आंसर के का पैकेजिंग में आता है. सो इसका मैं 2 to 3 पम्प्स लूँगी. सो फॉर कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज टेक वर्की हाइड माई हिकी कंसीलर इन द सेड द वन ऑन द चेस्ट 2. To set my makeup, I'm going to use Rimmel London Stay Matte Powder in the set 008 Cashmere. Next for contouring, I'm going to use Sivana Colors Pro HD Blusher Highlighter and Contour Palette in the set 03. And इसमें ये जो set है देखते हैं जिसे contour set. So मैं इसको use करने वाली हूँ to contour my face.
प्लस आई एम गोइंग टू यूज दिस पिंक एंड दिस पिची, ये दोनों को मैं मिक्स करके मेरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूंगी। गाइस फॉर हाइलाइटर आई एम गोइंग टू यूज ये दोनों सेट्स, मैं इनको मिक्स करके अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सिल्वरी है, ये थोड़ा गोल्डन है, एंड ये जो पैलेट पर्टिकुलरली गाइस इट इज वेरी गुड, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। वाओ, सो आई एम गोइंग टू यूज माई फेवरेट पैलेट ऑफ ऑल टाइम्स, दैट इज एल ए कलर्स नियॉन सॉक आईशैडो पैलेट, एंड मेरे पास जो वेरिएंट है दैट इज वोल्टेज। सो यू कैन सी मैं ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट को मैं पहले पिक करूंगी एज माई टेंशन सेट। सो गाइस नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पिक दिस कलर, आप देख सकते हैं ये थोड़ा मतलब पीची काइंड ऑफ कलर ये वाला सेट, सो इसको मैं यूज करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पिक दिस कलर, दिस अ वेरी प्रिटी कॉपरी एंड ब्रॉन्जी काइंड ऑफ कलर, आप देख सकते हैं, एंड वेरी हाईली पिगमेंटेड। सो इसको मैं आईज के ऊपर इसे अप्लाई कर लूंगी लाइक दिस। मैं एजेस को थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी लाइक दिस। This is Mars Mesmerize Eyes Liquid Eyeshadow in the shade Celestial Comet 03, and you guys, this is a very beautiful shade. So इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके ऊपर। So guys, to add a little bit of color to my eyes, मैं यूज़ करने वाली हूँ Bella Bosque का Intense Gel Eyeliner in the shade Grand Rapids, and this is a very beautiful dark green color, and ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। So इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ on my lower lash line. Guys, मेरे अपर लैस लाइन में मैं यूज़ करने वाली हूँ Lakme Absolute का Shine Line Eyeliner in the shade Steel Grey. सो गाइस नेक्स्ट फॉर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज एसेंस लास्ट प्रिंसेस मस्कारा, और बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। गाइस फॉर माय आईब्रोज आई एम गोइंग टू यूज स्विस ब्यूटी आईब्रो पेंसिल इन द शेड 102 डार्क ब्राउन। For my lipstick, I'm going to use Inside Makeup Essentials 24 Hours Non-Transfer Matte Lipstick in the shade 24 Instagram. आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें टू एंजॉय मोर सच मेकअप ट्यूटोरियल्स, एंड इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है glam_your_look। सो वंस अगेन आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो फॉर यू ऑल, टिल देन बाय बाय।